डीएलबी फिल्म्स के संदीप चौधरी अपनी अपकमिंग फिल्म ये है इंडिया को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता गेवी चहल है, जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लोम हर्ष ने। आज यूनिट फिल्म के पोस्टर रिलीज के सिलसिले में जयपुर आई है, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए सीधे रुख करते हैं फिल्म की स्टारकास्ट का। अमरदीप, ओवर टू यू। यह है इंडिया बॉलीवुड की नई फिल्म है और इस वक्त हमारे न्यूज रूम में फर्स्ट लुक आप इन दोनों चेहरों का देख रहे हैं, एक राइटर डायरेक्टर और गेवी चहल बॉलीवुड अभिनेता। सर पहले तो बताएं, बहुत बहुत बधाई कि नई फिल्म आपकी आ रही है। थैंक यू जी, नमस्ते सबको और बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जाके देखिए, जल्दी रिलीज होगी, उसकी डेट जल्दी अनाउंस की जाएगी। आज तो सिर्फ पोस्टर लॉन्च है, सो थैंक यू। कहानी की बात करें तो लॉम, आपने कहानी लिखी है बेहतरीन, ये है इंडिया टाइटल, क्या सोचा और क्या सोच करके इस कहानी को लिखा, क्या कंटेंट है इस कहानी का? सर, इट्स अबाउट इंडिया एंड इंडियंस, इंडियन, हर इंडियन की कहानी है, जस्ट लाइक योर चैनल इंडिया। सो आप इसका बेहतर जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा, आपके लिए इंडिया क्या है? तो बदलते हुए इंडिया की हर वो कहानी है जो एक इंडियन को देखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सच्चे इंडिया की कहानी है, सच्चे इंडिया की कहानी है। चल, जयपुर में शूट हुआ है इसका और सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की थी जब शूट हुआ था जी। आपको जब शूट कर रहे थे तो क्या खास पल लगा जयपुर में शूट करने के बाद में, ये है इंडिया? अच्छा, हाँ जी हाँ, काफ़ी हमने जैसे ज़्यादातर समय हमने जयपुर में बिताया, लेकिन सात आठ स्टेट्स में हमने इसकी शूट की है, फिल्म का शूट किया है। जयपुर उस समय तो इट्स लाइक अ सेकेंड होम और बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बाकी ग्लोब के ऊपर जयपुर का एक अलग चार्म है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं पूरे ग्लोब के कॉर्नर कॉर्नर से। सो काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली, देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। अलम, अगर बात करें कहानी की तो क्या कंटेंट आपके दिमाग में आया था कि इस कहानी को लिखा जाए, पर्दे पर लेकर के आया जाए, क्योंकि फर्स्ट कहानी आपकी है सिनेमा की, अगर बात करें बॉलीवुड की अगर बात करें तो? सर, सबसे पहले तो कंट्री है, एज ए इंडियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ इंडिया की तरफ है। आप भी एक न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं, बट उससे पहले योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री। तो आई कैन से ये है इंडिया इज़ अ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द इंडिया एंड इट्स फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, और हर इंडियन को ये पिक्चर देखनी चाहिए। यू विल फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। कहाँ कहाँ इंडिया के कौन कौन से हिस्सों में आपने इस फिल्म को शूट किया, कौन कौन से और बाकी स्टार आपके साथ में थे जो लगातार आपके साथ में बने हुए थे? नहीं सर, शूट के दौरान तो जिस आर्टिस्ट की जब रिक्वायरमेंट थी उसी टाइम पे वो एक्टर्स अवेलेबल होते हैं एज पर द शेड्यूल ऑफ द फिल्म। बट अगर आप शूट की बात करें, हमने 6 से 7 स्टेट्स कवर किए हैं। यू विल सी द ब्यूटी ऑफ हरिद्वार एंड ऋषिकेश को हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। मुंबई में फिल्म का शूट हुआ है, दिल्ली में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, सो सम पार्ट ऑफ द गुजरात एज वेल। सो एज जैसे कि टाइटल पिक्चर का ये है इंडिया है, तो ऑफ कोर्स हमें पूरा इंडिया पोर्ट्रे करना है, तो वी हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट। दो एक सीन इंग्लैंड में भी शूट किए, दो थे इसलिए। चल अगर बात करें फिल्म की तो ये है इंडिया जो टाइटल है, बेहतरीन टाइटल है। आपको कितना मजा आया इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम आपने दिया है इस फिल्म को, शिद्दत से उसके प्रमोशन के लिए भी आप आए हैं, पोस्टर लॉन्च के लिए भी आप आए हैं, तो कितना अच्छे तरीके से इसको महसूस किया इस फिल्म को, क्योंकि ये है इंडिया टाइटल मतलब कि एक अलग सी रूह आता है जब हम इंडिया की बात करते हैं तो? जी जी, मुझे ये लगता है कि ये फिल्म करने के बाद एज एन इंडियन मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ। ये कहानी मैंने मतलब लोम जब उन्होंने फ़ोन के ऊपर ही मैंने यस किया था, तो उनके मतलब फ़ोन के ऊपर ही मुझे मतलब कितने गहरे तरीके से वो इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे फ़ोन के ऊपर वो चीज़ महसूस हो रही थी। और आई थिंक हमने 10 मिनट की हमारी कन्वर्सेशन हो गई और कहानी सुनते ही मतलब गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एज एन एक्टर, एज एन इंडियन के हमारा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जीवन में कुछ ऐसा करो अपने देश के लिए कुछ, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी है कि आई फील माई सेल्फ प्राउड कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। और बहुत अच्छा लगा इंडिया के बारे में, जैसे अभी थोड़ी सी कई बार एग्जांपल हमारी हो जाती है कि हम कुछ खा पी के थोड़ा सा वो कर देते हैं, फेंक देते हैं इधर, तो हमारी बहुत बहस होती है। खैर मैंने पहले भी कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अभी तो आफ्टर द फिल्म तो जब हमारे डायरेक्टर साहब कुछ शीशा गाड़ी का नीचे करते हैं, मैंने बोला ये है इंडिया, ओह सॉरी सॉरी, तो मतलब फिल्म के बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें खुद में चेंज आई। तो मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद अगर 10% इंडियंस भी इस चीज़ को अपने ऊपर ढाल लें, अमल कर लें, तो आई थिंक हम अपने मिशन में, इट्स अ मिशन आई गेस, कि हमारा देश सुधर जाए, इसकी छवि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हो, जैसे थी आज फिर हो जाए, सोने की चिड़िया फिर बन जाए।
सो उम्मीदें हैं। तो ये ख्याल मोदी जी के अभियान के बाद तो नहीं आया ना ये ख्याल? देखिए बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने ये अभियान चलाया, तो काफ़ी चीज़ें हैं आई थिंक सिमिलर। हर एक इंडियन में, हर एक भारतीय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से तो वो प्यार, वो चीज़ें होती ही हैं, बस एक चीज़ होती है कि शायद हम उनको रास्ता दिखाएं। तो मोदी जी ने शुरुआत की है, उससे पहले भी बहुत से लोगों ने शुरुआत की होगी। अभी हमारा एक और कदम है थ्रू ये है इंडिया के लोगों को और इंडिया के बारे में बता सकें, तो शायद हमारा देश और अच्छा हो जाए। चल शूट के दौरान कुछ खास पल जो लगा आपको कि हाँ जयपुर में शूट करते हुए कुछ खास चीज़ें जो आपके साथ घटी कि हाँ ये यादगार पल है, ये मैं सजो के रखना चाहता हूँ जीवन में, बार बार ये पल मेरे दिमाग में आएगा तो मैं कहूँगा कि हाँ ये मैं ये इंडिया की शूटिंग कर रहा था वहाँ पे ऐसा कुछ घटा था। हाँ जी बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो जयपुर को मतलब मैं लकी समझता हूँ अपने आप को ये इंडिया कि मुझे मिली, क्योंकि पूरे भारत में घूमा वैसे तो कभी इतना करीबी से जानने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे रह के जयपुर में रह के इसको काफ़ी जाना, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिल में बस गई। शूट के दौरान भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं तो अभी तो खैर थोड़ा सा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, बट जब फिल्म देखेंगे तो शायद हर किसी को वो सीन के साथ वो खुद को भी रिलेट करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक ऐसा सीन है जब एक्टर ने किया होगा तो वो सारी ज़िंदगी उसको अपने दिल में समो के रखेगा। अलम बात करें कहानी की, तो बॉलीवुड के बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं जो कहते हैं कि कहानी जब लिखते हैं तो बहुत कॉन्सेप्ट होना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट तरीके से उसको लिखना पड़ता है, बहुत वक्त लगता है। इस स्टोरी को लेकर के कितना प्लान किया, कितना वक्त लगा इसको लिखने में ये है इंडिया, क्योंकि आप इंडिया की एक नई कहानी को लिख रहे हैं, नई इबादत को लिख रहे हैं, तो कितना वक्त लगा इस सब चीज़ों को तैयार करने में, तैयारी करके? सर 3.5 ईयर्स, 3 ड्राफ्ट्स, 2 फाइनल बाउंडेड स्क्रिप्ट, 1 पे पिक्चर बनी थी। सो ये है इंडिया। तो इंडिया सर छोटा सा वर्ड नहीं है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा है, तो यू नीड एवरीथिंग पॉसिबल टू यू नो स्क्वीज इट एंड प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। तो बहुत अच्छी जर्नी थी, रिटन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं, एंड द सेम वे गैवी इज कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म, सो इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड यू विल फील कनेक्टेड। तो स्टोरी में कुछ आपको लगा, आपका जो अटैचमेंट था स्टोरी से तो था ही, उस स्टोरी का खास एक लाइन जो आपको छुई कि ये तो मेरे दिमाग में नहीं था लेकिन मैंने सडनली लिख दिया, कि प्रसून जोशी जी की बात करें तो कभी कभी कह देते हैं कि मैं जब स्टोरी लिखता हूँ तो कई लाइनें ऐसी रहती हैं जो दिमाग से नहीं दिल से आती हैं, तो आपकी पूरी स्टोरी में जो जान थी वो दिल से वाली जो लाइन थी वो कहाँ से आई, कौन सी चीज़ थी, वो एंड में है, स्टार्टिंग में है या मिड में है? सर थ्रू आउट द फिल्म ही आपको दिल से ही लिखिए सर, 3.5 साल में अगर आपको कुछ होता है जो आप बिल्कुल उसका मैं आंसर दूंगा, सब चीज़ों का इन्होंने एक ही कंक्लूजन निकाल दिया, ये है इंडिया। ओके तो उसमें सब कुछ समो गया, और मुझे लगता है कि जो इस फिल्म का किरदार मैंने निभाया है तो रियल में वो मिस्टर लोम हर्ष हैं, तो आई थिंक इनके एक्सपीरियंस को जो इन्होंने महसूस किया उसको मिकी के रूप में मैंने स्क्रीन के ऊपर जिया है, और बिहाइंड द स्क्रीन एक्चुअल आई थिंक इन्होंने वो कैरेक्टर जिया है। तो यह है इंडिया जल्द ही रुपेले पर्दे पर नजर आएगी, अभी पोस्टर लॉन्च करने के लिए पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर एक्टर सभी लोग मौजूद है, और लॉम बहुत बहुत बधाई आपको, और चहल आपको भी बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपकी बहुत सारी नई फिल्में बॉलीवुड की आ रही हैं। तो न्यूज़ रूम में हमारे साथ में थे कैमरा पर्सन विजय के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। जी अमरदीप, हम चाहते हैं कि इनकी आने वाली अपकमिंग मूवी ये है इंडिया सुपरहिट हो जाए और दर्शकों को काफ़ी पसंद आए, और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।